हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेमिंग फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट क्लास होगा। यहाँ पे जेईई मेंस और एडवांस्ड लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक हॉलो कोन है और इसका रेडियस कैपिटल आर, ये जो हमने एक्सिस बनाया, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो रेडियस इज कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या, कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। सो एक्सिस को ओ डैश नाम दे देते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश। ये क्या है, हॉलो कोन, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अबाउट निकालना है। मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो स्लैंटिंग लेंथ है इसको हम कैपिटल एल सपोज कर लें। स्लैंटिंग लेंथ कैपिटल एल और वर्टेक्स से वाई डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। कितने डिस्टेंस से भाई, वाई डिस्टेंस से। ये वाई डिस्टेंस है या फिर स्लैंटिंग हाइट पे ले लेते बेटा, इस पे नहीं, ये ऐसे स्मॉल एल डिस्टेंस पे, यहां से स्लैंटिंग लेंथ के अलोंग स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहे हैं डी एल विड्थ का। सो ये जो होगा एक रिंग होगा, रिंग का विड्थ डी एल और रेडियस एक्स सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और उसी को 0 टू कैपिटल एल इंटीग्रेट कर देंगे, हमको इस हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट तो हमको इस रिंग का रेडियस चाहिए होगा, तो हम एक सिमिलर ट्रायंगल देखें। यहां से एक सिमिलर ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। नाउ एक्स अपॉन स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल। एक्स अपॉन स्मॉल एल, ये यहां से यहां तक है, इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल। यहां से हमको x मिल गया रेडियस कैपिटल R अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l, इक्वेशन नंबर 1। अब इस एलिमेंट का मास क्या होगा वो निकाल लें, तो मास dm सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू, पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लें, तो टोटल मास कैपिटल L और टोटल एरिया पाई आर कैपिटल एल इंटू। अब इस रिंग का एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स इंटू विथ डी वाई, ये हो जाएगा इसका एरिया डी एल, विथ डी एल लिया, सो डी एल।
समझ में आ गया भाई, इस रिंग को अगर हम कट करेंगे बेटा और फैला देंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ कितना होगा 2πx और विड्थ कितना होगा dl। तो यूनिट एरिया का मास ये है, तो इस एरिया का मास ये हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का क्या होगा, dI इज इक्वल टू dm x स्क्वायर। So, x हमारा निकाला हुआ x ये है, तो x का स्क्वायर करेंगे, सो dm इज इक्वल टू dm हमारा ये हो गया और x यहां निकाला हुआ, तो x को पहले हम लिख देते हैं, तो r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू स्मॉल l स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा x स्क्वायर। अब dm का वैल्यू पुट कर दे, तो dm क्या है भाई, कैपिटल m अपॉन पाई आर एल इंटू टू पाई एक्स dl इंटू टू पाई एक्स dl, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, अपॉन L क्यूब कैपिटल R L क्यूब इंटू ये 2 इधर ले लें तो सारा आगे ना 2 कैपिटल M R स्क्वायर 2 कैपिटल M R स्क्वायर कैपिटल R L क्यूब। अब यहां पे एल स्क्वायर बच रहा है इंटू एल का वैल्यू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहां से रख दे तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल डी एल, ये कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया टू कैपिटल एम आर स्क्वायर एल टू द पावर 4 कैपिटल एल टू द पावर 4 और यहां एल क्यूब डी एल स्मॉल एल क्यूब डी एल, ये हो गया हमारा डी आई। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो जब एल इज इक्वल टू 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और जब L इज इक्वल टू कैपिटल L मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फर्दर इसको यहीं पे हम सॉल्व कर देते, सो इतने में हो जाएगा, लिमिट यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, ये कैपिटल L और ये कैपिटल I, इसका इंटीग्रेशन हो गया I इज इक्वल टू 2 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल L टू द पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल L टू द पावर 4 जब लिमिट पुट करेंगे अपॉन 4, सो ये कितना आ गया हाफ M R स्क्वायर। तो ये होगा कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट। रिजल्ट ये याद होना चाहिए, कैसे किया ये प्रोसेस भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर यही सॉलिड कोन होता तब क्या करते भाई, ये तो हॉलो कोन के लिए था, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। सो प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन ऑफ मास
capital M radius, capital R about axis of symmetry. फिगर ड्रॉ करते हैं ये इस तरीके से, एक सॉलिड कोन ले ले, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका ये होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है और मास कैपिटल एन कोन का। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगेन प्रोसेस वही है, यहां पे हम एक रिंग एलिमेंट ले, रिंग नहीं बल्कि डिस्क एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होगा भाई ये एक डिस्क होगा, रेडियस इसका x सपोज कर ले और वर्टेक्स से डिस्टेंस y, वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या ले लिया y, और टोटल हाइट सपोज कर ले कैपिटल h। देखो पिछले प्रॉब्लम में हमने स्लैंटिंग लेंथ लिया था क्योंकि जो मास है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसलिए स्लैंटिंग लेंथ लिया था और स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक डी एल विड्थ का रिंग कंसीडर किया था। यहां पे ये सॉलिड डिस्क बनेगा तो यहां पे इसके वॉल्यूम को कंसीडर करना होगा क्योंकि पूरे वॉल्यूम में मास होगा, इसलिए हमने डेप्थ वाई पे एक रिंग कंसीडर किया, विड्थ रेडियस इसका एक्स हमने माना और इसका थिकनेस डी वाई। सॉल्व वैसे ही करना जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने करा है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमको इसका मास चाहिए होगा और रेडियस चाहिए होगा, तो पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस के लिए अगेन यही ऐसे हम एक सिमिलर ट्रायंगल करें, यहां से ये बड़ा वाला और फिर ये छोटा वाला, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H और यहां से हमको रेडियस मिल गया कैपिटल R अपॉन कैपिटल H इंटू y। इक्वेशन नंबर वन, इसको आगे हम यूज करेंगे। अब इसका मास हम निकालें तो इसका मास क्या होगा dm, सो डी एम इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल एम अपॉन टोटल वॉल्यूम पाई बाई थ्री कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस डिस्क का मास क्या होगा इंटू ये हो गया डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिस्क का क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये इसका वॉल्यूम होगा, डिस्क का एरिया इंटू थिकनेस। वैल्यूज पुट कर दे, एक्स का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये थ्री ऊपर चला गया, सो थ्री कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल एच इंटू एक्स के वैल्यू को पुट करें तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये है थ्री कैपिटल एम, थ्री कैपिटल एम अपॉन एच क्यूब, क्या भाई एच क्यूब यहां पे आ गया वाई स्क्वायर डी वाई। इक्वेशन नंबर टू, ये हो गया हमारा डी एम। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यहां पे हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई
इज इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर एम है डी एम और आर है एक्स सो एक्स स्क्वायर। चीजों को रीअरेंज करते पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे फिर डी एम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले लिखें तो हाफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया भाई हमारा एक्स स्क्वायर। डीएम लिखे तो थ्री कैपिटल एम अपॉन एच क्यूब थ्री कैपिटल एम अपॉन एच क्यूब या गया वाई स्क्वायर डी वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स को पहले लिख दे रीअरेंज करके सो थ्री कैपिटल एम थ्री कैपिटल एम योग्य थ्री कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन टू एच टू द पावर फाइव टू एच टू द पावर फाइव देन वाई टू द पावर फोर डी वाई ये हमारा डी आई। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे सो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे y इज इक्वल टू जीरो यहां y इज इक्वल टू जीरो टू y इज इक्वल टू कैपिटल एच y इज इक्वल टू जीरो पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो y इज इक्वल टू कैपिटल एच पूरे इंटीग्रेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एल एच इसका इंटीग्रेशन हो गया आई इज इक्वल टू थ्री कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू एच टू द पावर फाइव और इसका इंटीग्रेशन हो गया एच टू द पावर फाइव अपॉन फाइव भाई इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई टू द पावर फाइव अपॉन फाइव लिमिट पुट कर देंगे तो एच टू द पावर फाइव अपॉन फाइव एच टू द पावर फाइव कैंसिल आउट हो गया सो इट इज थ्री बाई टेन एम आर स्क्वायर। अगेन ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सो ये हो गया सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी सॉलिड कोन से ही रिलेटेड। हाँ एक्सिस कुछ और होगा वो हम फिगर में दिखा रहे हैं। वीडियो को आप 10 सेकेंड फॉरवर्ड कर लीजिए क्योंकि 10 सेकेंड इसको इरेज करने में लग जाएगा फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम यहां पे हम दिखा रहे हैं दिस इज अ सॉलिड कोन प्रॉब्लम नंबर थ्री। एक सॉलिड कोन है मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर का फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है यानी ये ऊपर जाके ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर कैसे सॉल्व करेंगे इसको सो अगेन प्रोसेस वही होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। सो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है और कोई मुश्किल सवाल नहीं है करते हैं। अगेन हम वही करेंगे एक डिस्क कंसीडर करेंगे एट डेप्थ वाई डेप्थ वाई पे डिस्क कंसीडर कर रहे हैं थिकनेस डी वाई थिकनेस क्या है इसका डी वाई रेडियस इस डिस्क का एक्स सपोज कर ले रेडियस है एक्स हाइट कैपिटल एच सपोज कर ले। अब हम क्या करेंगे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश का अबाउट निकाल के इसी को इंटीग्रेट कर देंगे
तो डिस्क को अगर इसको हम टॉप से देखें, यहां से हम देखेंगे तो ये डिस्क ऐसे सर्कुलर दिखेगा और हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इसके डायमीटर अगर इसका हम ड्रॉ करेंगे तो ओ ओ डैश के पैरेलल होगा, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करें, इस डिस्क का रेडियस एक्स निकाल लें और मास डीएम निकाल लें। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एकदम वही है। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक ये वाला सिमिलर ट्रायंगल होगा और एक ये बड़ा वाला सिमिलर ट्रायंगल। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच, और यहां से हमको एक्स मिल गया कैपिटल आर अपॉन एच इंटू वाई। अब इस डिस्क का मास लिखें, तो डिस्क का मास क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी पाई बाई थ्री आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क दैट इज पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। थ्री ऊपर चला गया, सो थ्री कैपिटल एम अपॉन आप पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैपिटल एच एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया डी एम। इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर वन, ये जो लिखा ये प्रॉब्लम नंबर थ्री है, ये कोई इक्वेशन नहीं, प्रॉब्लम नंबर थ्री। अब हम क्या करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे ओ ओ डैश के अबाउट, सो डी आई मान ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर क्या सपोज कर ले भाई, डी आई ओ ओ डैश के अबाउट, सो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू, पहले तो इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट, यानी ये डायमीटर यहां से ऐसे पास कर रहा होगा, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, यानी डी आई सी क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, प्लस डी एम एम आर स्क्वायर, एम हो गया इसका मास डी एम और आर हो गया वाई, सो वाई स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी एम कैपिटल आर स्क्वायर बाय फोर। भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय फोर। तो एम को हमने डीएम लिख दिया, रेडियस, अच्छा रेडियस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस डी एम वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब डीएम कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और एक्स हमारा ये यहां है एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एम, और डी एम हमने ये निकाला हुआ है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस अपॉन फोर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एम के वैल्यू को पुट कर दें तो थ्री कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल एच एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर
y स्क्वायर और फिर क्या बचा dy, ये x का वैल्यू हमने पुट किया dy। सिंप्लीफाई करें चीजों को, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले लिख लें, 3 कैपिटल M R स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, अपॉन H क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस R स्क्वायर बाई 4 H स्क्वायर y^4 dy, इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इंटीग्रेट करते ये सारा कांस्टेंट है, यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to H, यहां पे लिमिट 0 to I, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया I = 3M अपॉन H³ ब्रैकेट में 1 प्लस R² / 4H² y^4 का इंटीग्रेशन y^5/5, लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा H^5/5। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसका आंसर यहीं पे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या सॉल्यूशन होगा इसको यहां पे हम दिखा रहे हैं। सो 3M ये I = 3M H³ कट जाएगा, यहां H² बचेगा, 5 को इधर लेते आते हैं अपॉन 5, क्या हो गया भाई अपॉन 5, यहां पे H² बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 plus R² / 4H² × H² इस H² को अंदर जाने देते हैं तो ये आ गया I = 3M/5 (H²) + R² / 4, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। अगर ये सॉलिड कोन है, क्या भैया सॉलिड कोन है, ध्यान रखना, अगर यही हॉलो कोन होता तो उस केस में यहां R² / 2 हो जाएगा, आप अपने से करके देख लेना, यहां पे R² / 2 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करने चल रहे प्रॉब्लम नंबर 4, और इस प्रॉब्लम नंबर 4 को हम 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस्ड का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपको कई मेथड आने चाहिए, उसमें से बेस्ट मेथड क्या है वो आपको एग्जाम में चूज करना होगा। कई मेथड क्यों आने चाहिए भाई, उसका रीजन ये है आपका अप्रोच फिर इंक्रीज कर जाता है, कहां पे कौन सा मेथड आसान होगा, कहां पे कौन सा मेथड टफ होगा, ये आप सोच सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं। सो वीडियो को आप 10 सेकेंड के लिए आगे बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट मेथड से हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. यह यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे हम शो कर दें और इसको इस एक्सिस के अबाउट, यानी ये सेंट्रॉइड यहां पे है तो एक्सिस ही है, जैसे हम चौक दिखा रहे हैं, ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है. साइड ए ले लेते हैं और मास कैपिटल एम. जो इसका इजीएस्ट मेथड है, बिना इंटीग्रेशन के इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है. उसको हम यहां पे दिखा रहे हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहां पे ऐसे छोटा सा ड्रॉ किया. मास कैपिटल एम, ईच साइड स्मॉल ए, सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, इस साइड के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें. इस साइड के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस साइड के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें. आपको तीन एक्स्ट्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा. साइड सबका ए होगा. इसका साइड दिया हुआ ए, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इसका भी साइड ए होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए. अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास कैपिटल, ये जो छोटा वाला है, मास क्या दिया कैपिटल एम और साइड स्मॉल ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई सपोज कर लें, तो आई इज इक्वल टू डायमेंशनली ये एम ए स्क्वायर होगा. कोई कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं सी, भाई डायमेंशनली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम ए स्क्वायर. मास पे डिपेंड करेगा और साइड पे डिपेंड करेगा. एक कांस्टेंट है सी सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन. यही आई हमको फाइंड आउट करना है, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई हम ले ले, तो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है इनका अपने सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा. इसका सेंट्रॉइड यहां पे होगा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. अब इस बड़े वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस प्लेट का, उसको हम सपोज कर ले आई डैश. तो I dash is equal to, यही फार्मूला लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट C. मास क्या होगा भाई, अब चार ट्रायंगल है, एक दो तीन चार, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगुलर प्लेट है वो चार छोटे से मिलके बना है, तो इनका मास क्या हो गया 4m into 4m. A साइड क्या हो गया बड़े वाले का 2a, so 2a होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया 16 C
कैपिटल एम ए स्क्वायर और सी कैपिटल एम ए स्क्वायर के आई छोटे वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई डैश इज इक्वल टू 16 आई. इक्वेशन नंबर टू. अब इस बड़े वाले प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं. हम क्या करें, इसका 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 सबका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें. तो आई डैश निकालने का हमारे पास एक और मेथड है. आई डैश इज इक्वल टू, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें इस वाले ट्रायंगल का, तो वो तो आई ही रहेगा, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इन तीनों ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा. तो हम क्या करें, किसी एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल के तीन से मल्टीप्लाई कर दें. तो 3 इंटू किसी एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट. तो इसी ट्रायंगल का निकाल लेते हैं. इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट हमको पता आई, तो इसके अबाउट क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. सो आई प्लस एम आर स्क्वायर, आर ये होगा, आर क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस होगा, तो एम आर स्क्वायर उसको हम स्मॉल आर करें और उस आर को हम फाइंड आउट करते हैं. ये है आर हमारा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, वही हम वैल्यू यहां पे पुट करेंगे. सो आई डैश 16 आई के बराबर होगा. 16 आई इज इक्वल टू ये आई प्लस 3 आई, 4 आई प्लस 3 कैपिटल एम. इस आर को फाइंड आउट कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आर होगा कितना, हम क्या करें इस वाले डिस्टेंस को निकालें, इसी का डबल होगा भाई. वो आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला जो बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस है और यहां बेस से इस सेंट्रोइड का डिस्टेंस, यानी किसी एक का डबल कर दे, तो ये कितना होगा. इसके लिए हम पहले पूरा ये निकाल लें. ये ए है और ये ए बाई टू, ए बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको हम सपोज कर ले h, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी रूट 3 बाई 2 a. ये होगा h, और ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, इसको हम y सपोज कर ले, तो y इज इक्वल टू जो सेंट्रोइड है वो इस हाइट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है. ये हो गया 1 और ऊपर वाला हो गया y. तो इसको अगर हम y सपोज कर ले तो ये कितना होगा, 2y. ये वाला 2y होगा क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो 3y, y प्लस 2y, 3y इज इक्वल टू कितना होगा, h, यानी रूट 3 बाय 2 a. सो y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, a बाय 2 रूट 3. और यहां से यहां का डिस्टेंस होगा क्या, 2y के बराबर होगा, यानी ये जो स्मॉल r है वो 2y के बराबर होगा. तो 2y यहां से निकालें तो a बाय रूट 3, a बाई रूट 3 यही r होगा का स्क्वायर. इसको इधर लेते हैं तो 12i इज इक्वल टू 3 कैपिटल m a स्क्वायर बाई 3. सो i इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, m a स्क्वायर बाई 12. दिस विल बी आंसर. और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट हमने इसलिए डिस्कस किया
क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, इसलिए इस ट्रिक को हमने डिस्कस किया। जैसा हमने पहले ही कहा कि इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उसमें से एक मेथड ये है। टोटल चार मेथड हम जानते हैं, एक आध मेथड और डिस्कस कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो नेक्स्ट सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हम फिगर बना रहे हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सेंट्रॉइड का जो हाइट होगा h वो ये होगा, ये इसका सेंट्रॉइड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा वन थर्ड, इसका वन थर्ड होगा क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल ले, इसको हम y नाम दे दे रहे हैं, और इस एक्सिस के अबाउट नाम निकाल ले, इसको हम x एक्सिस नाम दे रहे हैं, इसको y एक्सिस के अबाउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, इसको हम नाम दे दे रहे हैं x डैश, ये वाला एक्सिस x डैश। अब इसके अबाउट निकाला, ये हो गया z एक्सिस, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई, ये होगा। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट भाई इसको फाइंड आउट करने का। हम क्या करेंगे, इस चौक जैसे दिखा रहे इसके अबाउट निकालना, तो इसको आई जेड नाम दे दे, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई। कौन सा थ्योरम लगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई वाई निकालना बहुत आसान है और आई एक्स भी निकालना बहुत आसान है। जब आई एक्स निकाल लेंगे तो आई एक्स डैश पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आई वाई निकाल रहे हैं, आई वाई, ये हम सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो आई वाई होगा क्या, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए हमने आपको डिस्कस किया था, किसी भी शेप का हो अगर इस साइड के अबाउट निकालना तो ये हाइट हमको पता होना चाहिए, इसको h हम मान ले, तो m h स्क्वायर बाय 6, यही होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई आई वाई पहले हम निकाले, आई वाई हम निकाले तो होगा क्या, ये ऐसे है, इस केस में h का वैल्यू ये हो जाएगा a बाय 2, h क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा ना a बाय 2। अच्छा, जितना इस एक्सिस के अबाउट जितना इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इस पार्ट का होगा, यानी टोटल प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स किसी एक साइड का निकाल लें, इस साइड का निकाल लें, तो इस साइड का निकालें, फार्मूला ये लगाएंगे एम एच स्क्वायर बाय 6 और एच को क्या लिखेंगे ए बाय 2, तो एम बाय 6, एच को क्या हमने लिख दिया भाई ए बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 4, 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि हमने इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरा निकालना है तो इसी का डबल कर देंगे। सो आई वाई हो गया एम ए स्क्वायर बाय 12, इक्वेशन नंबर 1। अब आई एक्स निकाले, तो आई एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला यही लगेगा एम एच स्क्वायर बाय 6, सो एम बाय 6, एच कितना होगा, ये वाला हाइट होगा, ये टोटल हाइट एच, और ये हमने यहां पे लिखा हुआ, तो एच स्क्वायर यानी 3 बाय 4 ए स्क्वायर। सो आई एक्स इज इक्वल टू, यहां ये कट गया, एम ए स्क्वायर बाय 8।
इस मेथड से आप डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना ये सीख रहे भाई। इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकाले ये ट्रिक हमने सीखा, इस एक्सिस बेस के अबाउट कैसे निकाला हमने ये सीखा, अब एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। तो एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा रहे हैं। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा तो ये होगा आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है प्लस एम आर स्क्वायर, एम होगा कैपिटल एम और आर हमको ये लेना होगा, ये आर है तो ये कितना होगा भाई, इसी का वन थर्ड और इसका वन थर्ड यानी वन बाई थ्री कर दे तो ए बाई टू रूट थ्री, तो ए स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। आई एक्स हमने निकाला हो एम ए स्क्वायर बाई एट, यह हम दिखा रहे हैं आई एक्स क्या है एम ए स्क्वायर बाई एट। सो एम ए स्क्वायर बाई एट इज इक्वल टू आई एक्स डैश हमने निकालना, सो आई एक्स डैश प्लस एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व, क्या हो गया भाई एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व। सो आई एक्स डैश इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय एट माइनस एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, एम ए स्क्वायर कॉमन हो गया इंटू एलसीएम 24, यहां पे आ जाएगा थ्री माइनस टू, सो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 24। अब आई जेड क्या होगा, आई वाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। आई वाई क्या होगा, अच्छा मास आधा होगा ना, ये एम बाई टू होगा, ये गड़बड़ हो गया बेटा, ये ध्यान दे देना। हमने इसका मास लिया था, इस वाले पोर्शन का मास लिया था और इस वाले पोर्शन का मास क्या होगा m by 2 और दो बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका होगा तो डबल कर दिया तो ये 24 होगा। अब आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स डैश परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया। सो एम ए स्क्वायर बाई 24 प्लस एम ए स्क्वायर है ये एम ए स्क्वायर बाई 24, ये कितना हो गया भाई एम ए स्क्वायर बाई 12, फिर से वही आंसर आ गया। तो यहां पे हमने बहुत कुछ सीखा, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, इसके अबाउट तो सिंपल है वो निकाल सकते हैं, फिर इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हूं उसके अबाउट कैसे निकाले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, इसको एक थर्ड मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता, हम चार मेथड जानते हैं लेकिन चारों मेथड नहीं डिस्कस करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, थर्ड मेथड डिस्कस कर देते हैं इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे तो वो हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पे। पहले फिगर हम ड्रॉ कर ले फिर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच साइड स्मॉल ए मास कैपिटल एम, सेंट्रोइड के अबाउट निकालना हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे दिखा दे।
ये हमारा सेंट्रॉइड, इसके अबाउट निकालना, ये हाइट कितना, ये हमने यहां पे लिखा साइड ए ए ए, और ये है स्मॉल एच, ये पूरा कितना भाई स्मॉल एच यहां पे हम लिखा दे स्मॉल एच। सेंट्रॉइड को सी नाम दे दे रहे हैं, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। हम क्या करें, यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे इसके अबाउट और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, ये यहां से सपोज कर ले वाई है, ये डिस्टेंस ध्यान देना बेटा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, ये वाई है और ये यहां से यहां एक्स, यहां से यहां एक्स, भाई इसको अगर हम एक्स सपोज कर लें तो ये भी साइड क्या होगा, एक्स होगा। इसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अबाउट इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल ले, ये जो एक्सिस दिखा रहे देखो डॉट से, ये हमने दिखाया, इस एक्सिस के अबाउट निकाल ले और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दे। समझ रहे जो बात हम करें, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट हमको ये थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया ना भाई, ये ऐसे रख दे तो ये थिन रॉड ले सकते हैं और चौक हो गया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 और हमको इसके अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के पहले हमको इसका मास लिखना होगा और इसका लेंथ लिखना होगा। लेंथ लिखने के लिए पहले एक्स निकालना होगा। तो एक्स इज इक्वल टू होगा क्या, ये एक्स का वैल्यू, बल्कि ये कितना हो गया 2x हो गया। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, देखो ये एंगल टोटल 60 है तो ये एंगल क्या होगा भाई 30, ये एंगल 30 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में देखें तो ये 30 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू y tan 30, x इज इक्वल टू क्या होगा y tan 30 और tan 30 क्या होगा भाई 1/√3। तो x इज इक्वल टू y बाय रूट 3। अब इसका मास क्या होगा, dm इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल है अपॉन टोटल एरिया, इस ट्रायंगल का टोटल एरिया, तो टोटल हो गया एरिया हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट स्मॉल एच से पूरे ट्रायंगल का, स्मॉल एच हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, क्योंकि मास तो हमको इसका लिखना है, यूनिट एरिया का मास ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2x, लेंथ हमने क्या मान लिया 2x, ये x प्लस एक्स 2x और इसका विड्थ dy, विड्थ कितना भाई dy, तो 2x इंटू dy, ये हो गया हमारा dm। रीअरेंज करके लिख दें तो ये हो गया 2 ऊपर गया 4 कैपिटल m अपॉन a h, x को क्या लिख देंगे y बाई रूट 3, यहां पे निकाला हो ना x, तो उसको क्या लिख देंगे y बाई रूट 3 इंटू y बाई रूट 3 dy, ये हो गया हमारा dm, इसका मास हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखें इसके अबाउट, तो dI सेंट्रॉइड के अबाउट इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पर थिन रॉड कर सकते हैं तो उसका होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो m यानी dm, l यानी 2x, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस
एम यानी डी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये वाला यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल ये वाला डिस्टेंस माइनस वाई, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, इसका टू थर्ड होगा भाई, वन इज टू टू के रेशियो में डिवाइड करता तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका टू थर्ड होगा, तो टू थर्ड हो गया ए बाई रूट थ्री माइनस वाई होल स्क्वायर, यही होगा ये वाला डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस से हम लगा दिए एम आर स्क्वायर। अब इसी को रीअरेंज करके लिख दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय थ्री, एक्स स्क्वायर बाय थ्री और प्लस ए स्क्वायर बाय थ्री प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई बाय रूट थ्री डी एम। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, आंसर यहां से भी आएगा, ये कैलकुलेशन बाय डी आई सी इसके अबाउट इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा एक्स स्क्वायर बाय थ्री। कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले कहीं गलत ना हो रहा हो रहा, डी एम कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बाई रूट थ्री। अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दे, ये निकाला वाई बाई रूट थ्री, ये यहां पे पुट कर दे तो डी आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बाई थ्री, तो यहां पे वाई स्क्वायर बाई थ्री रखेंगे, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई नाइन, कितना हो गया भाई वाई स्क्वायर बाई नाइन प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस टू ए वाई बाई रूट थ्री माइनस टू ए वाई बाई रूट थ्री डी एम। अब डी एम का वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके यहां डी एम का वैल्यू लिख रहे हैं, तो डी आई सी इज इक्वल टू ये और ये ऐड कर दें तो टेन वाई स्क्वायर बाई नाइन प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस टू ए वाई बाई रूट थ्री डी एम, ये वाला वैल्यू हम पुट कर दें डी एम का, तो ये हो गया फोर कैपिटल एम अपॉन ए एच अपॉन ए, और एच का भी वैल्यू पुट करना होगा, एच यहां पे निकाला हुआ सो अभी वैसे ही रहने देते हैं, आगे पुट करेंगे। फिर क्या वाई बाई रूट थ्री, वाई बाई रूट थ्री डी वाई, अभी फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेंदी मेथड है लेकिन ये आना चाहिए आपको, इसलिए हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको क्या करना भाई, एच का वैल्यू यहां पे पुट करना है, इसको हटा देते यहीं पे पुट कर लेते हैं, यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ, तो डी आई सी इज इक्वल टू टेन वाई स्क्वायर बाय नाइन प्लस ए स्क्वायर बाय थ्री माइनस टू ए वाई बाय रूट थ्री ब्रैकेट क्लोज फोर कैपिटल एम अपॉन ए, एच के वैल्यू को पुट कर दे तो रूट थ्री
ए यानी यहाँ पे ए स्क्वायर बाय टू यानी यहाँ पे एट हो जाएगा, एट। ठीक है भाई, एच के वैल्यू को पुट किया तो यहाँ फोर एम, यहाँ ये आ गया, एच का वैल्यू पुट कर दिया वाई बाय रूट थ्री, तो ये रूट थ्री से थ्री बन गया डी वाई। बहुत सारे जगह देखोगे YouTube में उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसे कर लो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज हम भी इसको यहीं पे छोड़ दिए होते। लॉन्ग मेथड है लेकिन इंटीग्रेशन मेथड है, और ये बेसिक मेथड इसलिए सबको आना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कस किया। ब्रैकेट अब ओपन कर लेते हैं, तो अब करीब करीब हो गया है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। डी आई सी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये होगा 80, कैलकुलेशन ध्यान से देखना भाई, 80 कैपिटल एम वाई क्यूब बाई यहां पे 3 यहां पे 9 27 ए स्क्वायर प्लस, अब यहां पे ओपन करें तो 8 कैपिटल एम ए स्क्वायर बाई 9 ए स्क्वायर, ठीक है, 8 कैपिटल एम ए स्क्वायर बाई 9 ए स्क्वायर वाई डी वाई, देन माइनस यहां पे ओपन कर ले इसके साथ तो 8 दूनी 16 कैपिटल एम ए वाई स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 ए स्क्वायर और डी वाई। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ तो यही होगा, 8 दूनी 16 ए एम वाई स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 ए स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब हमको आंसर मिल जाएगा। सो यहां पे इंटीग्रेट करें 0 टू कैपिटल आई, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू स्मॉल एच, स्मॉल एच का वैल्यू ये लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, 0 टू स्मॉल एच, यहां पे 0 टू स्मॉल एच, तो इसका इंटीग्रेशन देखें 80 कैपिटल एम अपॉन 27 ए स्क्वायर, इसका वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 4 बाई 4, y टू द पावर 4 बाई 4, और y टू द पावर 4 लिमिट पुट करेंगे 0 टू h यानी h टू द पावर 4 यानी इसका पावर 4, तो ये हो गया 9 अपॉन 16 इंटू ए टू द पावर 4, ये हो गया भाई। सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर। अब यहां पे देखें ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 8 कैपिटल एम बाई 9, कहीं पे भी शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 8 कैपिटल एम बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 और वाई स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बाई 2, ये वाई स्क्वायर बाई 2 है ना, तो बाई 2 कर दिया, वाई स्क्वायर का लिमिट एच रखेंगे तो इसी का स्क्वायर है यानी 3 ए स्क्वायर बाई 4, देन माइनस इसका करें तो एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे एक ए कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 16 एम, 16 कैपिटल एम अपॉन 3 रूट 3 ए, 3 रूट 3 ए इंटू
y क्यूब बाई थ्री यानी 1/3 इंटू, अब y क्यूब यानी h क्यूब, इसी का क्यूब करना ना, तो ये 3√3, इसका क्यूब 3√3, इसका क्यूब 8, a क्यूब, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे ऊपर हम कर दे रहे हैं, यहीं पे इसका सिंप्लीफिकेशन हम दे रहे हैं। सो आई सी इज इक्वल टू, अब देखे भाई, तो ये यहां से 9 से ये 3 हो गया, और 16 × 5 = 80 यहां पे 5 हो गया, और यहां ए स्क्वायर, यहां ए टू द पावर 4 यानी ए स्क्वायर बचे हैं। अब इसको नोट कर लेते हैं, 5 कैपिटल M a स्क्वायर, 5 कैपिटल M a स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर ये अपॉन डिनोमिनेटर में ये 3 और ये 4 यानी 12 याद है। देन प्लस यहां पे देखें तो ये 2 और ये 4 ये 8 से कट गया, यहां पे ये 3 ये 3 हो गया। सो एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3। देन माइनस यहां पे देखें तो ये 3√3 कट गया, और ये 8 × 2 माइनस 2m a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे a भी है। सो 2m a स्क्वायर बाई 3 कितना होगा, 2m a स्क्वायर बाई 3, 2m a स्क्वायर बाई 3। सो 5m a स्क्वायर बाई 12, देन इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस एम ए स्क्वायर बाई 3, एलसीएम 12, एम ए स्क्वायर कॉमन है इधर लिख दें, यहां पे 5 − 4, फिर से वही आंसर आ गया एम ए स्क्वायर बाई 12। तो ये 3 डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किया, तीनों मेथड से हमको आंसर वही मिल रहा एम ए स्क्वायर बाई 12। चौथा मेथड भी है, लेकिन बहुत सारे मेथड डिस्कस करने का फायदा नहीं है, आप अपने से ढूंढिएगा। 3 डिफरेंट मेथड हमने आपको दिखाया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। इन प्रॉब्लम्स के लिए सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स लिखिए, बिकॉज योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।